गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीमा शर्मा पीजीटी बायोलॉजी फ्रॉम सूरत स्कूल. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. सो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? एज वी नो, अवर अर्थ इज ओनली प्लेनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, राइट? सो लाइफ डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, air, water and food are major factors. These resources available on earth and the sun energy are necessary to meet the basic requirement of all life forms. So what is actually natural resources? Natural resources means all variety of material we get from our nature to meet our basic needs. Yani jo bhi materials hain, everything which we obtain from nature is called natural resources. जिनसे हमारी जो needs हैं वो fulfill होती है, like air, water, soil, everything. Air is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. How do we classify natural resources? How can we identify about the natural resources? So it's a inexhaustible resources and exhaustible resources. So what is this exhaustible and inexhaustible resources? Exhaustible resources, these resources are not likely to be exhausted by the continuously. If we are continuously using it, ये तो भी exhaust नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, like air, water and solar energy. And what about exhaustible resources? Exhaustible resources means these resources are in a limited supply, may get exhausted by excessive use by the human beings. If we are using it in excessively, so वो क्या हो सकते हैं? Exhaust हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं. So they are two type exhaustible resources. The very first is renewable resources. Renewable means exhaustible resources are two kind of, very first renewable resources and second is non-renewable resources. Renewable resources, things that can be replaced in a relatively short amount of time. That means these are exhaustible resources which get replenished with a reasonable time. Ek time pe, kam time pe, ye hume dubara mil sakte hain. But hume inhe wisely use karna hota hai. We must be wise about how we use. हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, इन सभी को नोटिस में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए. लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, इन्हें हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए. देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर abiotic resources which cannot be replenished by recycling or replacement. इन्हें हम दोबारा ये हमें दोबारा नहीं मिल सकते, हम इन्हें दोबारा replenish नहीं कर सकते, recycle नहीं कर सकते, replacement नहीं कर सकते हैं इन अ रीजनेबल टाइम, क्योंकि ये जो है वो डेड प्लांट और एनिमल से बनते हैं, लाइक कोल हो गए, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए. Once we use them up, they are gone forever. वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम इन्हें बहुत ही तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी क्विकली इन्हें यूज़ अप कर रहे हैं, जबकि इन चीज़ों को नेचर में बनने के लिए बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगता है. तो वी आर यूजिंग देम फास्टर देन नेचर कैन रिप्लेस देम. एग्जाम्पल लाइक ऑयल, नेचुरल गैसेज, then coal, petroleum, diesel, see, all are the non-renewable resources. Now
इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, इनएग्जॉस्टेबल मीन्स दोज थिंग्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूज, जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतनी जल्दी ही, बहुत जल्दी ये रिप्लेनिश स्टोरी हमें वापस मिल सकती है. नो मैटर हाउ मच वी यूज़ एंड वी कैन नेवर रन आउट, यानी इसे हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं. दीज रिसोर्सेज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई कॉन्टिन्यूड यूज़, कितना भी हमें यूज़ करें बट ये ख़त्म नहीं होती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सोलर एनर्जी. नो मैटर हाउ मच वी यूज़, एग्जाम्पल लाइक सनलाइट, ओशंस, विंड, ऑल आर द एग्जाम्पल्स और इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मीन्स दीज रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड सप्लाई. एग्जॉस्टेबल हमें लिमिटेड होते हैं और वो एग्जॉस्ट ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मीन्स अगर हम उसे कॉन्टीन्यूसली यूज़ भी करेंगे तो भी वो ख़त्म नहीं होते हैं. एग्जॉस्टेबल को हमने फर्दर टू काइंड्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें रीजनेबल टाइम में वापस मिल जाएंगे, वो रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे. जैसे कि प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स को कट कर देते हैं लेकिन अगर हम प्लांटिंग करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली तो वो हमें वापस मिल जाएंगे. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो अगर हमने एक्सेसिवली यूज़ कर लिए तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन रिसोर्सेज को बनने में मिलियन एंड मिलियन ईयर्स लगते हैं, जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल्स. नाउ रिसोर्सेज ऑन अर्थ, एज वी डिस्कस्ड दैट ऑल वेराइटी ऑफ मटीरियल वी गेट फ्रॉम नेचर टू मीट अवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, लाइक एयर, वाटर, सोयल, ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ. ये सारी चीज़ें हमें थ्री कंपोनेंट्स से मिलती हैं. द वेरी फर्स्ट इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर मीन्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड. लिथोस्फेयर मीन्स लैंड. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फेयर, वी कैन से लैंड. द वॉटर ऑन अर्थ इज हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रो मीन्स वॉटर. एंड एयर अराउंड द अर्थ इज एटमोसफियर. यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें थ्री कंपोनेंट से मिलते हैं, लैंड से, वॉटर से और एयर से. ओके, इनको कंबाइंड फॉर्म में हम बायोस्फेयर कहते हैं. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर को कंबाइनली फॉर्म में हम बायोस्फेयर कहते हैं. दिस इज़ अ लिथोस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और इन सब पूरे इंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर. यानी जहाँ पे हमें तीनों ही चीज़ें मिल रही हैं उसे हम कहेंगे बायोस्फेयर. ओके, यू नो एटमॉस्फेयर, इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर द होल अर्थ, जिसने पूरी अर्थ को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्फेयर, इट इज़ द वाटर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ. वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. एंड दिस वाटर इट अकर्स इन ओशन, रिवर्स, पोंड एक्सेट्रा. एंड वाटर इज ऑल्सो फाउंड एज अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यू नो. लिथोस्फेयर, इट इज़ द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंड एंड इट्स अपर थिन वेदर्ड लेयर इज कॉल्ड सोयल. जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहेंगे, सोयल. टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट बायोस्फीयर एंड नेचुरल स्फीयर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.